नमस्ते, मैं हूं कुणाल गोयल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने वोकल को रिकॉर्ड करना सीखा था FL Studio मोबाइल में, और आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे उन वोकल्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं ताकि वो एकदम प्रोफेशनली साउंड करें। तो सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वो है इसमें से सांसों की आवाज को काटना। जितने भी हमारे खाली एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको मैं काटना चाहूंगा। तो चलिए फटाफट से इसको यहाँ से स्लाइस करके काट देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आप अपना टाइम इस पे जरूर दीजिए, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। स्लाइस, एक स्लाइस हम यहाँ कर देंगे और ये बीच वाला पोर्शन डिलीट। इस तरह से आपको सारे सांसों की आवाज काटनी है जहां जहां पे आपको खाली स्पेस लगे, इससे काफी फर्क पड़ता है क्योंकि इन खाली स्पेसेस में शोर भी हो सकता है, नॉइस भी हो सकती है। जो आपकी आवाज के पीछे छुप गई थी कहीं पे वो यहाँ पे ज्यादा सुनाई देती है, तो उसको आप काट दीजिए। ये सब कुछ काटने के बाद हम इसको दोबारा सुनेंगे और अगर हमें लगा कोई हमसे गलती से वर्ड कट गया तो उसको हम दोबारा रिकवर भी करेंगे। तो काफी मेहनत के बाद हमने सारी सांसों की आवाजें काट दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें हमने कट्स लगाए हैं। इसमें काफी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, बट ये मेहनत वर्थ इट है, आप जरूर इसको करिए अपने सॉन्ग में। अब हम सबसे पहले इस पे एक ऑटो ट्यून लगा लेते हैं ताकि हमें ये गाना थोड़ा सा सही सुनाई दे, क्योंकि मैं एक सिंगर नहीं हूं और मैंने गाया है तो ऑटो ट्यून की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी पड़ती है ऑटो ट्यून की जरूरत, आपने अगर बिल्कुल ही खराब गाया होगा तो ऑटो ट्यून कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत गलत गाया तो चल जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस एरो पे आएंगे, जैसे हमने इस वाले ट्रैक पे हमने ऑटो ट्यून लगाना है अपने फर्स्ट ट्रैक पे, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ यहाँ इस एरो पे आएंगे, एड मॉड्यूल, चलिए पिक्चर वन लगाते हैं जो इसका पहले वाला है। इसमें सेलेक्ट करेंगे मेजर, जी मेजर, ठीक है, जी मेजर हमने सेलेक्ट कर लिया है। स्पीड को हम थोड़ी कम कर देंगे पहले ही, और इसके मिक्स को भी थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ऑटो ट्यून वाली रोबोटिक साउंड कम आए हमें। चलिए एक बार इसको पूरा सुन के देखते हैं स्टार्टिंग से, मेट्रोनोम को ऑफ कर देते हैं। अगर हमें लगा कि इसने कुछ गड़बड़ी करी है तो देखते हैं क्या करेंगे। सर्दी की रातों में आंखों ही आंखों में बातें करना तुझसे, ख्वाहिश मेरी तेरे संग हंसना है, तेरे संग रोना है, तेरे संग चलना ही ख्वाहिश मेरी, पर तू खुश है मेरे बिना और मैं बिखरा तेरे बिना, जब से तू मुझसे दूर गई ढूंढा तुझे सारा जहां पर तू ना मिला। ठीक है, ये सही लग रहा है। तो ऑटो ट्यून हम यूज कैसे करते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जब भी हम गाते हैं तो कुछ नोट्स थोड़े से ऊपर या नीचे हम गा देते हैं, बिकॉज एज अ ह्यूमन हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते और हम जो अपना गाना बना रहे हैं वो एक मशीन में बना रहे हैं जो एक परफेक्ट है। तो मशीन के नोट्स, जो परफेक्ट नोट्स हम प्ले कर रहे हैं मशीन से, उनको अपने गले के नोट से मैच करने के लिए हम ऑटो ट्यून का यूज करते हैं। तो ऑटो ट्यून क्या करता है, जैसे मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया जी मेजर स्केल, तो जी मेजर स्केल में जितने भी नोट्स होंगे वो मेरे गाने के नोट्स को उनसे चिपका के रखेगा बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं। सर्दी की रातों में उसने उसको जी मेजर से, जी नोट से, सॉरी, उसने उसको जी नोट से चिपका के रखा। तो इस तरह से ऑटो ट्यून काम करता है। तो उसमें हमने स्पीड को कम करा है, जितनी ज्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे उतनी रोबोटिक साउंड होती रहेगी। दिखाता हूं मैं आपको कैसे, ये मैंने कर दी स्पीड 100%। आंखों ही आंखों में बातें करना तुझसे, देख रहे ना आप, तो इसको हम कम रखेंगे जितना हमारा यूज है। ख्वाहिश मेरी नेचुरल साउंड भी रहेगी और नोट्स भी हमारे सही रहेंगे। और मैंने यहाँ एडवांस में आके इसको मिक्स को भी कम किया है। मिक्स का मतलब कि ऑटो ट्यून की आवाज कितनी आए और आपकी ओरिजिनल साउंड जो थी वो कितनी आए, तो मैंने इसको 20/80 के रेशो में रख दिया, 20 रख के इसको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से हम अपने बाकी दो ट्रैक्स पे भी ऑटो ट्यून को लगा देते हैं। सर्दी की रातों में आंखों ही आंखों में बातें करना तुझसे, ख्वाहिश मेरी तेरे संग हंसना है, तेरे संग रोना है, तेरे संग चलना ही ख्वाहिश मेरी। ठीक है,
अब कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि जहां पे मैंने सांसों की आवाज काट दी वहां पे एकदम साइलेंट हो जाता है, और जैसे मैं गा रहा हूँ वहां शोर शराबा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से फील खत्म हो रही है गाने की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक नॉइस गेट, जिससे जितने भी नॉइस है वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। चलिए ढूंढते हैं नॉइस गेट, ये रहा गेट। इस थ्रेशोल्ड से क्या होगा, अगर आप इसको फुल कर देंगे तो हमारी बिल्कुल आवाज ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट ऑडियो को ही नॉइस मान लेगा। तो हम थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे अपने हिसाब से कि हमारे वर्ड्स भी ना कटे और नॉइस भी खत्म हो जाए। तुझे सारा जहां पर तू ना मिला मुझको कहीं, और मैं हूं यहां यादों में तेरी, पर तू ना मिला मुझको कहीं। और मैं हूँ यहाँ यादों में तेरी, मेरे दिल की खामोश। ठीक है, ये यहाँ पे सही लग गया। ये थ्रेशोल्ड लगभग 35 के आसपास मैंने रखा है, हाँ ये मैंने 30-35 dB के आसपास रखा है थ्रेशोल्ड को। सेम यही इफेक्ट मैं बाकी दो में भी लगा देता हूँ। मेरे दिल की खामोशी खामोशी भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा आलम। ठीक है, अच्छा लग रहा है, नॉइज भी काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। चलिए तो हम सबसे पहले लगाने वाले हैं EQ। तो EQ होता क्या है, EQ मतलब इक्वलाइजर। अगर आप अपने ऑडियो की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, सपोज इसकी वॉल्यूम मैंने बढ़ा दी या कम कर दी, तो ये कंप्लीट ऑडियो की वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर रहा है। और EQ क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हम पकड़ते हैं और उसकी वॉल्यूम को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो EQ से हम फ्रीक्वेंसीज की वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम पूरी ऑडियो की वॉल्यूम को हम कम ज्यादा कर सके। तो जो फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं चाहिए होंगी उसको हम हटा देंगे, जो फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए होगी अच्छी लगेगी उसको हम ऐड करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। चलिए एक EQ लेते हैं, ये मैं एक पैरामीटर EQ लूंगा। इसमें चार बैंड मिलते हैं हमें, 1, 2, 3, 4। अब इन चार बैंड से सबसे पहले मैं एक लो कट लगाऊंगा, मतलब मेरे जो गाने के लोज हैं, मेरे वोकल्स के जो लोज हैं वो कट जाएं। लोज में क्या होता है, 100 dB से नीचे वाले जितने भी फ्रिक्वेंसीज हैं उसमें मडी नॉइस होती है काफी ज्यादा, वो हमें चाहिए नहीं होती अपनी वोकल्स में। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे, इसकी शेप देखते हैं, पीक या हमें शेल्फ चाहिए, लो शेल्फ चाहिए हमें। इसके गेन को हम करेंगे कम और इसकी फ्रिक्वेंसी को लगभग 100 dB या 80-90 dB के आसपास ले जाएंगे, और इसकी बैंडविड्थ को भी हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए आपको ये वाली शेप बनानी है, और ये मैं लगभग 90-100 dB के आसपास ले जाऊंगा। तो इससे क्या हुआ, अब ये सारे तो मेरे अभी भी है फ्रीक्वेंसीज मेरे गाने में, पर जो इससे पीछे वाली थी, ठीक है, वो सब हमारी कट गई। तो इसे हम कहते हैं लो कट, लोस को कट करना। तो ये 100 dB से ऊपर मत करना और 100 dB से नीचे ही रखना इसको, क्योंकि उसके बाद हमारी गाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। सर्दी की रातों अभी भी थोड़ा शार्प लग रहा है, तो इसको 100 dB से नीचे करेंगे। आँखों ही आँखों में बातें करना तुझसे, ख्वाहिश मेरी तेरे संग हंसना है, तेरे संग रोना है, तेरे संग चलना ही ख्वाहिश मेरी। ठीक है, मैंने 44 dB पे रखा है। जितनी भी नॉइज थी वो लगभग खत्म हो गई है, जो गाने की मडीनेस थी हमारे वोकल्स की। सर्दी की रातों में आँखों ही आँखों में बातें करना तुझसे, ख्वाहिश मेरी तेरे संग हंसना है, तेरे संग रोना है, तेरे संग चलना ही ख्वाहिश मेरी, पर तू खुश है मेरे बिना। ठीक है, काफी अच्छा साउंड कर रहा है। अब सेकंड वाले बैंड को हम क्या करेंगे, एक पीक लेंगे। पीक मतलब वो इस तरह की शेप देगा, शेल्फ हमारा एक लो कट
या हाई कट की तरह शेप देता है और पीक ऐसी शेप देता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर नोच को ऐसे पकड़ के ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसका अगर मैं गेन बढ़ा दूं तो आप देखो वो पीक बननी शुरू हो गई, फ्रीक्वेंसी हम इधर उधर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज कौन से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और बैंडविड्थ को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं छोटा ही करूंगा बैंडविड्थ को, क्योंकि अभी मैं कुछ हार्श फ्रीक्वेंसीज अपने सॉन्ग से काटूंगा, तो मैं गेन को लगभग 8 dB कर देता हूँ। और अब मैं फ्रीक्वेंसी को राइट या लेफ्ट करके सुनता रहूंगा, जहां पे मुझे लगा कि शोर शराबा ज्यादा आ रहा है उसको मैं गेन कम कर दूंगा वहां से। और मैं बिखरा तेरे, देखो ये कितनी गरीब सी साउंड है यहाँ पे, कितनी अजीब साउंड आ रही है, ऐसे नेजली सी टोन आ रही है। तो उसका हम अब गेन पकड़ के -3 dB के आसपास। जब से तू मुझसे दूर गई, कितने क्लीन हो रहे हैं वोकल्स। चलिए नेक्स्ट बैंडविड्थ को पकड़ते हैं अपनी नंबर 3 वाली को। सेम, पहले इसका 8-9 dB गेन प्लस करेंगे, बैंडविड्थ बिल्कुल छोटी, और अब सुन के देखते हैं। ढूंढा तुझे सारा जहां पर तू ना मिला मुझको कहीं। ये देखिए कैसी होलो सी टोन है, इसको भी हम 3 dB लगभग माइनस कर देंगे। मेरे दिल की खामोशी तेरे बिना, और मैं बिखरा तेरे बिना। ठीक है, फोर्थ वाले बैंडविड्थ के साथ भी ऐसे करते हैं। 8+ बैंडविड्थ बिल्कुल माइनस, और फ्रीक्वेंसी इधर उधर करके देखते हैं। जब से तू मुझसे दूर गई, यहाँ पे विस्लिंग साउंड आ रही है काफी ज्यादा, इसको भी हम 3 dB माइनस कर देंगे। ज्यादा माइनस मत करना है इसको, क्योंकि हमारे लिरिक्स कम हो जाएंगे उससे, लिरिक्स कटने शुरू हो जाएंगे अगर ज्यादा माइनस कर देंगे तो हम। चलिए सुन के देखते हैं। पर तू खुश है मेरे बिना, और मैं बिखरा तेरे बिना। काफी सही। तो EQ का काम हमारा हो गया खत्म, मतलब इसे हम कहते हैं सबट्रैक्टिव EQ, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को सबट्रैक्ट मतलब कम करते हैं। अभी हम इसके बाद एडिटिव EQ भी करेंगे, बट उससे पहले एक बार सुन के देख लेते हैं सब कुछ ठीक है ना। सर्दी की रातों में आंखों ही आंखों में बातें करना तुझसे, ख्वाहिश मेरी तेरे संग हंसना है। ठीक है, वो देखो ईयरफोन से रिकॉर्ड हुई है तो थोड़ी तो अजीब लगेगी, बट क्लीन हो गई है हमारे वोकल्स काफी ज्यादा। मैं चाहता था इसको एक प्रोफेशनल माइक से भी रिकॉर्ड कर सकता था, मेरे पास काफी सारे माइक्स हैं मेरे स्टूडियो में, बट मैं चाहता था कि एक ऐसा ट्यूटोरियल और एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसमें सिर्फ मोबाइल और हेडफोन्स के साथ जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है इतने ज्यादा वो भी कर सके अपना प्रोफेशनल काम। ये एंड में जाके प्रोफेशनल लगेगा, ट्रस्ट मी, आप बस चैनल से जुड़े रहें। चलिए बाकी दोनों चैनल्स के लिए भी हम ये सेम EQ कॉपी कर लेते हैं, या इनके लिए अलग करते हैं, इनकी EQ अलग से करेंगे। चलिए इस वाले पार्ट को हम सुनेंगे बार बार। तो लूप में करने के लिए हम सबसे टॉप पे यहाँ होल्ड करेंगे जो भी पार्ट हमें लूप पे करना है, और ड्रैग करके वहां तक ले जाएंगे जहां तक हमें लूप करना है। तो अब ये बार बार यही पार्ट प्ले होगा ताकि मैं ढंग से EQ कर पाऊं। नेक्स्ट चैनल पे आएंगे, एक पैरामीटर EQ लेंगे। मेरे दिल की खामोशी खामोशी भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा, आलम ये बेचैनी का बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा। मेरे दिल की खामोशी इसको मैं सोलो करके EQ करना चाहूंगा। खामोशी भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा, आलम ये बेचैनी का। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी माइनस करते हैं। बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा। ठीक है, इसके टर्न। आपको जरूरी नहीं है कि सारे ही यूज करने हैं, अगर आपने एक अच्छे माइक से रिकॉर्ड किया होता तो इतना कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरे दिल की खामोशी खामोशी, ये विस्लिंग टोन आ रही है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो सेव प्रीसेट, EQ, सेव, इसमें हम इसको पेस्ट कर सकते हैं।
my files, my presets, EQ. ठीक है, चलिए EQ का काम हुआ हमारा खत्म फिलहाल के लिए. EQ के बाद हम लगाते हैं कंप्रेसर. कंप्रेसर से क्या होता है, जितने भी हमारे वोकल्स के लो पार्ट्स हैं जिसमें हमने कम धीरे गाया हुआ है उसको वो हाई कर देगा, और जितने भी हाई पार्ट्स हैं जिसको हमने तेज गाया हुआ है उसको थोड़ा लो करके एक लेवल में ले आएगा, कंप्रेस कर देगा वोकल्स को, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा टाइट सुनाई देते हैं. तो चलिए कैसे कर सकते हैं. अब मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग चैनल्स पे सेम इफेक्ट्स हम बार बार लगा रहे हैं, इससे बढ़िया हम अपने तीनों वोकल्स के चैनल्स को एक चैनल पे भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंड, क्रिएट अ एफएक्स चैनल. इफेक्ट नंबर 12 इसका नाम है. ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, सेंड इफेक्ट 12, और इसको भी हम सेंड इफेक्ट 12. तो हमने तीनों वोकल्स को अपने इफेक्ट 12 यानी इस वाले चैनल पे भेज दिया है, जिसको मैं रीनेम भी कर सकता हूं, चैनल सेटिंग्स, इसको मैं रीनेम कर देता हूं वोकल बस, कि मेरे तीनों वोकल्स इस पे हैं. ठीक है, इसको हम कलर भी चेंज कर देते हैं, ये दे देते हैं. अब मेरे तीनों वोकल्स इस वाले चैनल पे हैं, तो मैं जो भी इफेक्ट इस वाले चैनल पे लगाऊंगा वो मेरे तीनों वोकल्स पे लगता रहेगा. तो मैं कंप्रेसर चाहता हूं कि तीनों वोकल्स को एक साथ कंप्रेस करे, इसलिए मैंने ये इफेक्ट चैनल बनाया. चलिए इसके बाद हम करेंगे ऐड मॉड्यूल इसमें, और एक लेंगे कंप्रेसर. अब कंप्रेसर में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, ऑटो गेन, लेवल, रिलीज, होल्ड, अटैक, रेशो, थ्रेशोल्ड और इनपुट गेन. सबसे मेन है रेशो, कितनी रेशो से ये कंप्रेस करेगा. वोकल्स के लिए हम यूजली 3 रेशो यूज करते हैं, तो 3:0.1. ठीक है, इसके बाद हमारा मेन काम है थ्रेशोल्ड का. थ्रेशोल्ड मतलब कितना कंप्रेस करेगा. चलिए इसको हमें सुन के देखना पड़ेगा, हमें बस ट्राई करना है कि हमारे वोकल्स टाइट सुनाई दें, और बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं करना. बहुत ज्यादा कंप्रेस करने से क्या होगा अभी देखते हैं. थ्रेशोल्ड मैंने कर दिया फुल. मेरे दिल की खामोशी, खामोशी. जब थ्रेशोल्ड सबसे ऊपर होगा 0 dB मतलब कुछ भी कंप्रेस नहीं हुआ, और मैं सबसे नीचे कर दूंगा. एक बार के लिए मैं ऑटो गेन को ऑफ कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कंप्रेसर से हो क्या रहा है. अभी है थ्रेशोल्ड सबसे ऊपर जिसमें कुछ भी कंप्रेस नहीं हो रहा. टीवी कहती है कहना तो सुन ले. ठीक है, और अब सबसे नीचे तू मेरा आलम, ये बेचैनी का बेचैनी मेरे दिल में. घुटी घुटी साउंड कर रही है वोकल काफी. तो थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे एक अच्छे से स्वीट पॉइंट पे. दिल का कसूर क्या मेरा, मेरे दिल की खामोशी, खामोशी भी कहती है कहना तो सुन ले तू मेरा आलम, ये बेचैनी का बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा. ठीक है, लेवल को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया कि हमारा कंप्रेसर का ओवरऑल लेवल कितना रहे. एक स्वीट स्पॉट पे मैंने थ्रेशोल्ड को सेट कर दिया, रेशियो 3:3, और लेवल को सेट कर दिया. अब मेरे वोकल्स काफी टाइट सुनाई दे रहे हैं. मेरे दिल की खामोशी, खामोशी भी कहती है कहना तो. ठीक है, कंप्रेसर के बाद हम एक और EQ लेंगे, पैरामीटर EQ ले लेते हैं दोबारा से. अब इसमें हम करेंगे एडिटिव EQ, मतलब जो भी फ्रिक्वेंसीज अच्छी होंगी हमारे गाने के लिए उनको हम बूस्ट करेंगे. चलिए पहले थोड़ा सा गेन डाल के देखते हैं यहाँ पे, लगभग 3 dB का, और फ्रीक्वेंसी को इधर उधर करके हम देखेंगे कि कौन सी हमारी थोड़ी बैंडविड्थ भी इसकी छोटी कर लेते हैं 30. अब हम फ्रीक्वेंसी को राइट या लेफ्ट करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारे वोकल्स अच्छे सुनाई दे रहे हैं. सुन ले तू मेरा आलम, ये बेचैनी का बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा, मेरे दिल की खामोशी. यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एक और बैंड उठाते हैं. इसको मैं कर दूंगा हाई शेल्फ. तो हाई शेल्फ से बेसिकली हम अपने गाने की हाई फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं या कट करते हैं. फिलहाल के लिए मैं बूस्ट करूंगा. खामोशी भी कहती है कहना तो सुन ले तू मेरा आलम, ये बे. ठीक है, काफी सही. चलिए और देखते हैं क्या है हमारे पास, कुछ और फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं ताकि हमारे वोकल्स फुल साउंड करें. चैनी का
बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एडिटिव इक्यू से कितना फर्क पड़ा है। अब हमारे वोकल्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहे कि ईयरफोन से हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो अभी तक हमने अपने वोकल चेन में क्या किया, सबसे पहले एक ऑटो ट्यून लगाया। ऑटो ट्यून लगाने से पहले हमने अपनी सांसों की आवाज़ काटी, फिर एक ऑटो ट्यून लगाया। उसके बाद हमने एक सब्ट्रैक्टिव ईक्यू किया जिसमें हमने हार्श फ्रिक्वेंसीज को माइनस किया। फिर हमने एक कंप्रेसर लगाया जिससे हमारा पूरा सारे वोकल लेयर्स ग्लू हो गई आपस में और काफ़ी टाइट साउंड कर रही हैं। उसके बाद हमने एक एडिटिव ईक्यू लगाया जिसमें हमने कुछ अच्छी फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे रिवर्ब और डिले। चलिए ऐड मॉड्यूल, आप यहाँ से मल्टी एफेक्ट्स ले सकते हैं, ये वाला काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी इजी भी हो जाता है। तो रिवर्ब लगाएंगे, इस पे हमने रिवर्ब पे चले गए। मेरे दिल की खामोशी खामोशी भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा। आलम ये बेचैनी का, बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा। मेरे दिल की खामोशी खामोशी भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा। आलम ये बेचैनी का, बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा। ठीक है, तो रिवर्ब को आपने बस ये सेंटर पॉइंट से सेट करना है, इधर उधर करके बहुत ज्यादा मत कर देना। यहाँ पे मुझे एक अच्छा स्पॉट लग रहा है रिवर्ब के लिए। मेरे दिल की खामोशी खामोशी, ठीक है। एक ऐड करेंगे हम डिले, वो भी मल्टी इफेक्ट से लेंगे हम, ये रहा डिले। भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा। आलम ये बेचैनी का, बेचैनी मेरे दिल में, दिल का कसूर क्या मेरा। मेरे दिल की खामोशी खामोशी भी कहती है, कहना तो सुन ले तू मेरा। आलम ये बे। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी वोकल्स की प्रोसेसिंग खत्म। हम इसको दोबारा रिकंसिडर करेंगे जब हमारा पूरा गाना बन जाएगा अपने गाने के हिसाब से। फिलहाल के लिए ये वोकल्स बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, एकदम प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं। सर्दी की रातों में आंखों ही आंखों में बातें करना तुझसे, ख्वाहिश मेरी तेरे संग हंसना है, तेरे संग रोना है, तेरे संग चलना ही ख्वाहिश मेरी। पर तू खुश है मेरे बिना और मैं बिखरा तेरे बिना। ठीक है, ये अच्छा साउंड कर रहा है। बाकी जब हमारा पूरा गाना भी तैयार होगा तो उसके हिसाब से हम वोकल्स को बार बार बीच बीच में छेड़ते रहेंगे। तो आज हमने सीखा ईक्यू के बारे में, कंप्रेसर के बारे में और ऑटो ट्यून के बारे में और आई थिंक या रिवर्ब एंड डिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे ड्रम प्रोग्रामिंग अपने गाने की, तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा और मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली ड्रम प्रोग्राम करना अपने गानों में। तो इसमें काफ़ी सिंपल हम बेसिक ड्रम्स यूज़ करेंगे कि काफ़ी एक सूदिंग सा गाना है, तो ज़्यादा कुछ तिलस्मानी ड्रम्स नहीं यूज़ करेंगे इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ कुणाल गोयल।